गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। प्यारे बच्चों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ इंग्लिश के एक टॉपिक पे कि इंग्लिश में क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें व कितना पढ़ें। सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। एसएससी मार्च, ऐसा मान लीजिए जो मार्च वाला एग्ज़ाम है ना प्यारे बच्चों, 2021 वाला, उसके लिए मैं आपको स्टडी करने की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, है ना। आपको समझना है। देखिए, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इंग्लिश का कोई भी एक स्टेटमेंट जो होता है ना प्यारे बच्चों, जो भी एक स्टेटमेंट होता है मेरे लाल, तो स्टेटमेंट आपका पता है आपको कि सबसे पहले आपका होता है यहाँ पे सब्जेक्ट, किसी स्टेटमेंट में आप अगर पढ़ते हैं तो। उसके बाद यहाँ होता है आपका हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम एच वी बोलते हैं, लेकिन मैं इसमें पूरा लिख रहा हूँ। उसके बाद आपका क्या होता है, मैन वर्ब, ठीक है प्यारे बच्चों। और इसके बाद हमारा आता है मेरे लाल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। अच्छा, कभी कभी ऑब्जेक्ट से पहले एक चीज़ और आ जाती है, मान लीजिए मैं यहाँ पर रख देता हूँ एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। उसके बाद अदर वर्ड आ जाते हैं, उनको छोड़िए। ये चीज़ मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये एक बात कहने का तरीका होता है मेरे लाल। तो आप केवल आज ये समझेंगे कि हम इसको कैसे करते हैं। देखो सुनो, ये है आपकी सब्जेक्ट, याद रखना सब्जेक्ट दो चीज़ें हो सकता है, या तो सब्जेक्ट नाउन हो सकता है प्यारे बच्चों, या फिर सब्जेक्ट प्रोनाउन हो सकता है। पहली बात तो आप अपने मन में एक बात सेट कर लीजिए, सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, हमेशा याद रखिए। बस प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट जो है आपका, ये ऑब्जेक्ट, ये भी या तो नाउन होगा या फिर प्यारे बच्चों प्रोनाउन होगा। अब आपको ये चीज़ें डन करनी है पहले माइंड में, उसके बाद हम बताएंगे। यानी सब्जेक्ट या तो आपका नाउन होगा या फिर आपका प्रोनाउन होगा, ऑब्जेक्ट भी आपका या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, समझ लीजिएगा। अब देखिए, इस सब्जेक्ट के अनुसार यूज़ की जाती है हेल्पिंग वर्ब के अनुसार, बात को गौर से समझना, इसके अनुसार यूज़ की जाती है हेल्पिंग वर्ब। यानी सब्जेक्ट बताता है कि हेल्पिंग वर्ब कैसी आने वाली है प्यारे बच्चों, और ये हेल्पिंग वर्ब मेंटेन करती है इस मैन वर्ब को, यानी के अनुसार। मैं यहाँ पे भी लिखूँगा, आप कहोगे सर ऐसा तो नहीं होता है, हम दिखाएंगे आपको कि हेल्पिंग वर्ब ही मेंटेन करती है इस मैन वर्ब को, कि मैन वर्ब कौन सी आएगी प्यारे बच्चों। और देखिए दूसरी बात है, अब जब ये मैन वर्ब आ जाती है तो इस मैन वर्ब से पता लगता है इस ऑब्जेक्ट का, याद रखना मेरी बात, इस ऑब्जेक्ट का के अनुसार। मैं सब सिद्ध करके दिखाऊंगा क्यों। प्यारे बच्चों, अगर ये टीवी है ट्रांजिटिव वर्ब, तो आपको यहां पे कैसा ऑब्जेक्ट यूज करना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यू नो। अगर ये आई एन टीवी है इन ट्रांजिटिव वर्ब, तो आपको यहां पे कैसा यूज करना है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्यारे बच्चों, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एक मैं बात बता रहा हूं कि ये मैन वर्ब सेट करती है आपका ऑब्जेक्ट कैसा आने वाला है। और याद रखना, जैसे कि मैं बता चुका हूं कि ऑब्जेक्ट में नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा प्यारे बच्चों। तो अगर प्रोनाउन होगा तो पजेसिव केस आता है एडजेक्टिव के तौर में, नाउन होगा तो नाउन से पहले हमेशा कोई ना कोई एडजेक्टिव ही आता है प्यारे बच्चों, नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा, चाहे वो पजेसिव केस बन के आ जाए या फिर आपका नॉर्मल एडजेक्टिव बन के आ जाए, ठीक है प्यारे बच्चों। अब मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ इस चीज़ को, हमें क्यों पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए और कैसे हम लोग एक स्टडी कर सकते हैं, तो समझिए मेरी बात। अगर नाउन ही सब्जेक्ट होगा, ये आप माइंड में सेट कर दीजिए, मैं बोल रहा हूँ इस बात को कि सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, डन कर लीजिए इतनी बात। ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, डन कर लीजिए इतनी बात। रही कितनी चीज़ें, ये दो चीज़ें, तो ये चीज़ के अनुसार यूज़ होता है ये, और इसके अनुसार आती है मैन वर्ब। मैं भी सिद्ध करके दिखाऊंगा कैसे होता है। तो अब आपको समझना है कि नाउन अगर सिंगुलर होगा प्यारे बच्चों, नाउन यदि सिंगुलर होगा, मान लीजिए ये अगर सिंगुलर रहा, ये अगर सिंगुलर है, तो आपको पता है कि आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर ही होगी, समझे। मान लीजिए यही चीज यदि प्लूरल हुई है, मान लीजिए यही चीज अगर प्लूरल हो गई, तो आपकी मैन वर्ब भी कैसी होगी प्यारे बच्चों, प्लूरल ही होगी। तो सब्जेक्ट के अनुसार आई कि नहीं आई हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के अनुसार। अब इसके अनुसार मैन वर्ब क्यों आती है,
मैं एक चीज लिख रहा हूं यहां पे, मैं लिख रहा हूं आई एम गोइंग टू एमबीडी, आई एम गोइंग टू एमबीडी, या फिर मैं कहता हूं आई हैड डन माय वर्क। एक चीज और मैं लिखता हूं यहां पे, ही हैज डन माय वर्क। एक चीज और लिखता हूं मैं यहां पे प्यारे बच्चों, विजिबल हो रहा होगा मे बी, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए सुनिए, ये आपका सब्जेक्ट रहा, हालांकि ये प्रोनाउन है, तो इस प्रोनाउन के अनुसार एम आया, लेकिन जब आपको पता है कि ये बी फॉर्म है तो आफ्टर बी फॉर्म वी हैव टू यूज अ जीरेंड फॉर्म, सो ये जीरेंड फॉर्म हो गई। लेकिन मान लीजिए मैंने यहां आई लिया, अब की बार मैंने हेड ले लिया है, जिस पे पर्सन का कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहां कैसा पर्सन है क्या है ना, सब्जेक्ट कैसा है या नाउन कैसा है, हेड ही रहता है। अब इस हेड के अनुसार यहां डन आया, एम के अनुसार यहां डन क्यों नहीं आया या गोन क्यों नहीं आया, जनरल केस में बात कर रहा हूं पैसिव वॉइस की नहीं। तो हेड के साथ प्यारे बच्चों यहां डन आया है, तो हेड ने बताया कि अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। अच्छा मान लीजिए यहां ही आ गया, तो यहां हेड ना होके हैज आ गया है, हालांकि हेड भी आ सकता था, लेकिन ही हैज डन, इस हैज ने बताया कि यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। और एक बात और है, इस ही के अनुसार हैज आया है, बट मैंने वही नीचे यूज कर दिया दे, तो अब दे के अनुसार क्या आया, हैव प्यारे बच्चों, हैव। तो जब दे के अनुसार हैव आया, ही के अनुसार हैज आया, तो कहीं ना कहीं प्रोनाउन का तो फर्क पड़ रहा है। तो अगर हम इस सब्जेक्ट में आने वाली चीजों को अच्छे से स्टडी कर दें, यानी नाउन और प्रोनाउन की, तो हम लोग आगे बहुत आगे जा सकते हैं और एक डीप चीजों को पढ़ सकते हैं। तो हैव आ गया है, अब इस हैव बीन और दे दिया, इसमें बी फॉर्म की थर्ड फॉर्म होती है बीन प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हैव के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है, तो ये भी एक थर्ड फॉर्म है। कौन सी थर्ड फॉर्म है, बी फॉर्म की थर्ड फॉर्म। आगे है मैन वर्ब की जीरेंड फॉर्म प्यारे बच्चों। तो इस हैव बीन ने सिद्ध करके दिखाया कि अब की बार प्लेइंग आने वाला है, इस हैव बीन ने बताया प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तो प्यारे बच्चों मैं बताना ये चाह रहा हूं कि अगर सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब सिद्ध हो रही है, कि सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आती है और हेल्पिंग वर्ब बताना चाहती है कि मैन वर्ब कैसी आएगी, और मैन वर्ब के बाद पता लगता है कि ऑब्जेक्ट कैसा आएगा, तो क्यों ना हम लोगों को इनको बहुत डीप पढ़ना चाहिए। हमें नाउन के बारे में प्यारे बच्चों और प्रोनाउन के बारे में डीप स्टडी करनी चाहिए, यानी कि इसका जीरो लेवल से हाई लेवल तक एक एक चीज समझनी चाहिए हमें। मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों कि जैसे आपको मैं एक चीज सिखाता भी हूं, एक सुनिए मेरी बात, मैं इज लिख रहा हूं यहां पे, मैं यहां पे वाज लिख रहा हूं प्यारे बच्चों, मैं लिख रहा हूं हैज यहां पे, इसके बाद मैं लिख रहा हूं यहां पे गोज, इसके बाद मैं यहां पे लिख रहा हूं प्लेज, और एक चीज और लिख देता हूं आपकी जानकारी के लिए डज, है ना प्यारे बच्चों। इसके बाद मैं तुरंत यहां पे लिख रहा हूं आपके आर, यहां लिख रहा हूं वर, यहां लिख रहा हूं हैव, यहां गो, एंड आफ्टर इट प्ले, एंड द लास्ट डू। तो प्यारे बच्चों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, इज यहां पे एस सबके लास्ट में है, और अगर सबके लास्ट में एस है तो आप समझ लीजिएगा कि ये सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब। प्यारे बच्चों जिन वर्ब के लास्ट में एस लगा होता है वो सब सिंगुलर होती हैं, इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। प्यारे बच्चों मान लीजिए ये आर है, वर है, हैव है, गो है, प्ले है और डू है, यानी कि विदाउट एस के हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि ये प्लूरल वर्ब है। मुझे हेल्पिंग वर्ब यूज करना आ गया प्यारे बच्चों, इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब नहीं होते हैं। आप कहोगे विल और शैल, नो नेवर, वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है प्यारे बच्चों, वो एक मॉडल वर्ब्स होती हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हाँ इनमें मैन वर्ब भी मैंने ली हैं, दो मैन वर्ब भी ये ली हैं मैंने, लेकिन हेल्पिंग वर्ब इतनी हुआ करती हैं। एक रह गई है हैड और एम, तो एम का आपको पता पार्टिकुलर आई के लिए आता है, और हेड का आपको पता है कि उस पर सब्जेक्ट का कोई असर नहीं पड़ता है प्यारे बच्चों। तो ये चीज़ें हमारी हेल्पिंग वर्ब से हो गई, आई मीन हमारा हेल्पिंग वर्ब ये हो गया। तो अगर मुझे हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है मीन्स क्या होगा, अगर आपके पास प्यारे बच्चों सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है तो ये वाली यूज़ होंगी, प्लूरल नाउन है तो ये वाली यूज़ होंगी, लो हो गया डन। तो इसका मतलब नाउन अगर सिंगुलर प्लूरल सीख ले, नाउन नंबर सीख ले,
केस ऑफ नाउन सीख ले, पजेसिव नाउन सीख ले, सॉरी जो पजेसन होता है नाउन का, आई मीन पजेसन केस जो होता है, पजेसिव केस जो होता है नाउन का, वो सीख ले, या फिर प्रोनाउन कितने होते हैं आपको पता है प्रोनाउन के बारे में? देखो आई होता है, वी होता है, यू होता है, देखते रहना ठीक से, ही होता है, शी होता है, दे होता है, और एक चीज हो रही है, इट, ये सिंगुलर होते हैं, ये प्लूरल होता है इनका, ये सिंगुलर है, ये इसका प्लूरल है, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों में आता है भाई साहब, ये आपके प्रोनाउन हो गए, है ना। तो प्रोनाउन के बारे में जानकारी ये हो गई, इसको पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं, हालांकि और तरह के भी प्रोनाउन होते हैं प्यारे बच्चों, तो उनके बारे में हम सीखेंगे कि किस तरह के हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं या कैसे और होता है। जब हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ते हैं तो सारी डिटेल पढ़ते हैं, एक एक चीज़, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन के समथिंग समथिंग, केवल पर्सनल प्रोनाउन के 100 एग्जाम्पल्स के साथ हम उसमें सिखाते हैं कि हमको पर्सनल प्रोनाउन कहाँ कहाँ प्रॉब्लम देता है। नाउन की तो समझ लीजिए, मैं आपको नहीं बोलने वाला हूँ कि मेरे यहाँ नाउन 4 दिन में ख़त्म हो जाता है या मैं 4 दिन में ख़त्म कर सकता हूँ, इम्पॉसिबल। Something 20 days आपको नाउन को पढ़ना पड़ेगा, 20 और 25 days something नाउन को मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं नाउन में हर एक चीज लेता हूं, हर एक चीज नाउन में, सब कुछ, possession, apostrophe s, everything, नाउन यूनिट भी लेके आते हैं हम लोग, सब चीज इसी में पढ़ाते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको नाउन को और प्रोनाउन को ऐसे स्टडी कर लेना है ताकि आप यहां सिद्ध कर सको कि कौन सी चीज कैसे आएगी। मैं और बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकता हूँ लेकिन वीडियो बड़ा हो रहा है, तो प्यारे बच्चों मैं बताना ये चाह रहा हूँ आपको क्या पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टडी अबाउट द नाउन, आपको नाउन अगर क्लियर हो गया है ना, पूरा नाउन याद रखना, दुनिया में जो भी चीज़ आप देख रहे हैं सब नाउन है, सब नाउन है, जो भी आपको दिख रहा है ना, कुछ विजिबल है और कुछ इनविजिबल भी है नाउन, है ना, जो दिखते नहीं है, जैसे फैक्स होता ना, फैक्स, ये फैक्स लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं, फैक्स, फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी और स्टेट, ये वाले नाउन इनविजिबल होते हैं प्यारे बच्चों, ये दिखते नहीं हैं, ये फील किए जाते हैं, महसूस किए जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इनको बोलते हैं हम लोग, है ना। तो कुछ नाउन विजिबल भी हैं और कुछ इनविजिबल भी हैं, सो हम अगर नाउन के बारे में डिटेल जान लेंगे तो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना आ जाएगा तो वी कैन अंडरस्टैंड दैट किन कौन सी हेल्पिंग वर्ब के बाद हम कौन सा मैन वर्ब यूज़ करेंगे। अगर मैन वर्ब यूज़ करना आ जाता है ठीक से तो मैन वर्ब के बारे में ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव सीख गए तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में हम सीख जाएंगे कि किस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। एक कहानी है कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है और इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है जो प्रपोजिशंस को लेकर साथ में आता है जनरली। तो प्यारे बच्चों अब नाउन से पहले हमेशा एडजेक्टिव आता है, कभी भी आप देख लेना नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा, भाई बिना एडजेक्टिव के तो बेकार ही है ना सारी चीजें। आई मीन अगर मैं विशेषता करूं किसी नाउन की तो बिना एडजेक्टिव के उस नाउन की विशेषता नहीं हो सकती ना, तो इसलिए नाउन से पहले क्या आता है प्यारे बच्चों, एडजेक्टिव आता है, है ना। तो हमें क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, मैं वो बोल रहा हूं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन पढ़ना चाहिए डीपली अच्छे से, उसके बाद आपको नाउन की जगह प्रयोग होने वाले प्रोनाउन को पढ़ना चाहिए डीपली। आफ्टर इट यू हैव टू स्टडी अबाउट द वर्ब, मेरे अनुसार आप वर्ब को पढ़े डीपली, आप देखेंगे कि इसके चलते हुए आप पैसिव वॉइस सीख जाएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीख जाएंगे, ट्रांसलेशन आप सीख जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश जो है ना, आप लोग जो हवा बनाए हुए, इंग्लिश कुछ नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। आप इंग्लिश में प्रोज पढ़ लीजिए, हिंदुस्तान अखबार पढ़ लीजिए, द हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ लीजिए, कोई स्टोरी पढ़ लीजिए, कुछ भी पढ़ लीजिए, मैगजीन्स पढ़ लीजिए, सब में हर एक वाक्य का ये स्टेटमेंट होगा। हाँ अगर ये इंटरोगेटिव है, ये निगेटिव है, ये इन्वर्जन केस में यूज़ किया गया है, या ये कंजंक्शन के रूप में यूज़ किया गया है, दो सेंटेंस दो क्लाउज को जोड़ के यूज़, वो बात अलग है, बट एक जनरल स्टेटमेंट जो होता है किसी भी कथन का वो ये होता है प्यारे बच्चों। तो इसको हमें अगर पूरा स्टडी करना आ जाए तो फिर कहाँ है इंग्लिश में कुछ भी, कुछ भी नहीं है प्यारे बच्चों। इट्स इजी फॉर यू अगर आप इस लेवल से पढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं कि कोई एक सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो आपको इंग्लिश बहुत ईजी हो जाएगी। प्यारे बच्चों वीडियो लंबा हो रहा है और मैं बातें तो बहुत सारी हैं, दिल करता है कि सब कुछ बता के चला जाऊं, बट टाइम बहुत कम होता है, ये ऑफलाइन क्लासेस में हम लोग सब कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा था कि आप परेशान होते हैं कहाँ से स्टार्ट करें, क्या पढ़ें, क्यों पढ़ें, ये मेरी पर्सनल आपको सलाह है कि आपको पहले इन चीज़ों को पढ़ना चाहिए। अगर हम ट्रांसलेशन पहले पढ़ते हैं तो ये आप समझ रहे हैं कि आप बहुत बड़े ज्ञाता हैं, ये समझ लीजिए मेरी बात, अगर आपने ट्रांसलेशन सीख लिया ना तो आप तो इंग्लिश के ज्ञाता हो गए, फिर आपको ज़रूरत किसकी है, किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है प्यारे बच्चों। ट्रांसलेशन टफेस्ट सब्जेक्ट, आप सोचते हैं ट्रांसलेशन ईजी है, अगर मैं बोलने लगूँ आप सोचते हैं मुझसे प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया, पास्ट इंडेफिनिट आ गया, मैं कहूँ आप कहते हैं मोहन खाना खाता है, यू कैन ट्रांसलेट इट, है ना, लेकिन मैं कह दूँ अब मैं मोहन खाना खाता है आपने बना दिया, लेकिन मैं कह दूँ मोहन लंगड़ाता है, मोहन तुतलाता है, है ना, मोहन शर्माता है,
तो आप कहेंगे सर मुझे तो आता ही नहीं है, मुझसे कैसे बनेगा, मुझसे क्यों नहीं बन रहा है। तो प्यारे बच्चों इंग्लिश तो अगर ट्रांसलेशन आपने कर ली तो इंग्लिश फिनिश, अरे सब कुछ आ गया भाई। ट्रांसलेशन से एक्टिव पैसिव आ जाता है, ट्रांसलेशन से डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाता है। ट्रांसलेशन तो अंतिम पड़ाव है इंग्लिश का, उससे पहले उसके टुकड़ों को पढ़िए। ये ट्रांसलेशन का एक सेंटेंस है, अगर मुझे इसके टुकड़ों के बारे में नहीं पता होगा तो मैं एक सेंटेंस को, एक वक्तव्य को कैसे बोलूँगा, उसको कैसे बनाऊँगा। इट्स ईजी अगर हम इससे स्टार्ट करते हैं ना ट्रांसलेशन से, मैं नहीं मानता वो बेस्ट तरीका है, इम्पॉसिबल। प्यारे बच्चों हमें इन चीज़ों से टुकड़ों से रूबरू होना है पहले, और एक एक चीज को क्लीन करना है जीरो से हाई लेवल, लेकिन उसी टॉपिक में। मींस नाउन स्टार्ट हुआ है तो खत्म तब हो जब उसकी पूरी एक एक चीज खत्म हो जाए, ऐसे पढ़ना है। ऐसे नहीं चार दिन जायका लिया नाउन का फिर कुछ और पढ़ लिया, पांचवें दिन प्रोनाउन का जायका लिया फिर कुछ और पढ़ा दिया या पढ़ लिया, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। प्यारे बच्चों तुम्हें डिटेल से पढ़ना पड़ेगा प्रोनाउन क्या है, आपको 10 टाइप्स ऑफ द प्रोनाउन पढ़ने पड़ेंगे। उसका ये भी देखना है कि वो प्रोनाउन एडजेक्टिव कब बन के आता है, प्रोनाउन कब बन के आते हैं, सारी डिटेल्स जाननी है, फिर आप कंफ्यूज नहीं होगे। ओके थैंक यू, वीडियो लंबा हो रहा है, थैंक यू, बाय बाय, शब्बा खैर, गुड नाइट, टेक केयर।